संसद भवन में लालगंज चौकी आजमगढ़ जिले में पड़ता है। वहां से महिला सांसद श्रीमती नीलम सोनकर जी से खुलकर के बात की। उनसे पूछा कि आज अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि उनको लखनऊ में हवाई जहाज बल पर रोक लिया गया, उन्हें प्रयागराज नहीं जाने दिया गया जहां वह एक युवक के सामाजिक कार्यक्रम में सम्मिलित होना चाहते थे, क्योंकि योगी जी और उनकी सरकार उनसे डरती है। उन्होंने यह भी बताया कि योगी जी किसी से नहीं डरते। उन्होंने यह जोर देकर कहा कि प्रियंका गांधी और ना ही इस तरह का कोई भी महागठबंधन बीजेपी को यूपी में रोक पाएगा। यह भी बताया कि मुलायम सिंह यादव वरिष्ठ समाजवादी नेता हैं, परंतु वह चुनाव जीतने के बाद एक बार भी आजमगढ़ नहीं आए, इसलिए इस बार बीजेपी आजमगढ़ और लालगंज दोनों चुनाव जीतेगी। दिल्ली से डॉक्टर राम की रिपोर्ट, आज की आवाज़। हम लालगंज की सांसद श्रीमती सोनकर जी से बात कर रहे हैं। मैडम, आपको क्या लगता है इस बार ये जो महामिलावट जिसका नाम दे रहे हैं मोदी जी, उसके विरुद्ध में बीजेपी कुछ कर पाएगी? देखिए, ये तो जो पार्टियों का अपना अपना विचार है कि किसके साथ गठबंधन करे ना करे, ये तो उनकी बातें हैं। लेकिन मैं जहाँ तक समझती हूँ कि हम लोग चाहे सांसद हों, चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी हों, चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी हों, हम लोगों का एक ही उद्देश्य है कि हम जनता के लिए क्या क्या कर सकते हैं। उनके लिए जो बिल्कुल गरीब परिवार है, जिसके तरफ आज तक किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया, उसके तरफ हम लोग फोकस करके कार्य कर रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि वो लोग बहुत ही प्रसन्न हैं, और जो भी गठबंधन को लेके आज जो भी तरह तरह के लोग सोच रहे हैं, जब कार्यों का मूल्यांकन होगा तो उसमें मैं समझती हूँ कि मोदी जी नंबर वन। प्रियंका जी कितना आप पर कुछ कर पाएंगी? नहीं, प्रियंका जी का क्या मतलब है, मतलब प्रियंका जी आई हैं, अच्छी बात है, आई है राजनीति में। जितनी पहले सक्रिय नहीं थी, अब ज्यादा सक्रियता है। मैडम, जब भी चुनाव आता है तब भी आपके बगल के जिले में मुलायम सिंह जी जीतते हैं आजमगढ़ से। बगल का नहीं जिला, मेरा अपना ही जिला, अपना ही जिला से जीतते हैं। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी, इस बार क्या होगा? देखिए, माननीय मुलायम सिंह जी समाजवादी पार्टी के संरक्षक हैं, बड़ी एक कद्दावर नेता हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि जब से वो जीते हैं, एक बार ही उस जिले में आए हैं और दोबारा नहीं कभी आए। मैडम, आज अखिलेश जी ने एक बयान दिया कि वो उनको लखनऊ एयरपोर्ट पर रोक लिया गया क्योंकि वो प्रयागराज जाने से योगी जी डरते हैं, कहीं जाके वो विरोध हो जाएगा, इस तरह का रोक नहीं। मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहती हूँ, हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो किसी से भी नहीं डरते हैं, और जो जरूरी हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग काम किया गया होगा। लेकिन डरने वाली तो कहीं दूर दूर तक सवाल आ लिए। धन्यवाद। माननीय योगी जी के बारे में कह रहे हैं तो ये दूर दूर तक डर से उनका कोई ऐसा संबंध